everyone, this is your biology ma'am Dr. Garima Singh and I welcome everyone to Prades Institute of Education. तो बच्चा लोग आप अब तक के बाद जान चुके हो कि Prades Education एक ऐसा YouTube का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फिलहाल आपको NEET 2024 की तैयारी करवाने वाला है absolutely free. ठीक है, वैसे Prades है क्या? Prades एक ई एजुकेशन का या ई लर्निंग एप्लीकेशन है जो क्लासेस KG से लेकर क्लास 12th तक को एजुकेशन प्रोवाइड करता है. हमारे एप्लीकेशन के थ्रू बच्चे बहुत कुछ पा सकते हैं. वी ऑफर देम क्लासरूम वीडियोस, वी ऑफर देम 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस. वी ऑल्सो ऑफर देम फ्री सॉल्यूशंस के अलावा प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, पर्सनलाइज्ड डाउट सेशंस एंड लाइव क्लासेस दैट इज कम्प्लीटली इंटरैक्टिव ऑन आर एप्लीकेशन. अब हमारा जो एप्लीकेशन है बच्चा, ये आपको गूगल और प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाएगा. अगर आपके कोई जूनियर्स, सीनियर्स या आपके कोई फ्रेंड्स चाहते हैं पर्सनलाइज्ड एजुकेशन या फिर वन ऑन वन इंटरेक्शन, तो वो हमारा पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. पेड सब्सक्रिप्शन अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है. अगर वो हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं दैट इज Prades_2025, तो उनको हमारा जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा @8999. बट आपको इन सब बारों में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको क्या कराने वाले हैं, हम आपको कराने वाले हैं तैयारी नीट की. क्लास 11th का पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं नीट 2024. तो नीट 2024 को नेल करने के लिए, फोड़ देने के लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है हमारे YouTube चैनल पे. सब कुछ आपको हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे. पूरा का पूरा बॉटनी, पूरा जूलॉजी, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, लाइक एवरीथिंग. एंड देयर वॉन्ट बी इवन अ सिंगल पेनी विच विल बी चार्ज बाई यू. तो कुछ भी हम आपको चार्ज नहीं करने वाले हैं बच्चा. सारे के सारे टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ आपको अवेलेबल कराया जाएगा. आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है, एक इंडिविजुअल वेबसाइट भी बन चुकी है, जहां आप ऑल इंडिया लेवल पे आगे जाकर एग्जाम्स भी दोगे. तो सारी चीजें तैयार है, पूरा रोड मैप सेट है. करना क्या है, बस करनी है मन लगा के पढ़ाई. तो बिना कोई देरी किए, बिना कुछ अपने आप को परेशान किए, प्रॉपर फ्रेश माइंड के साथ बैठ जाओ और करो हमारे साथ तैयारी आपकी जीत की, तैयारी नीट 2024 की. तो चलो इसी खुशी में स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है अबाउट द यूकैरियोटिक सेल. हम यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर चुके थे, नहीं देखा हो तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, शुरू के तीनों लेक्चर्स देख लेना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट, तो वहां से चेकआउट कर लेना. आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, अबाउट क्लोरोप्लास्ट दैट इज प्लास्टिड्स, एंड वील ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, सीलिया एंड फ्लैजुला. सो वील बी डिस्कसिंग ऑल दीज टॉपिक्स टुडे. ठीक है, राइबोसोम पे भी डिस्कशन करना है. तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. सबसे पहला सेल ऑर्गेनल देख लेते हैं, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया. अब जब भी मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करती हूँ ना, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है. सिर्फ इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे. मतलब चैप्टर नंबर 14 में फिर से हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है NCERT में चैप्टर 8 में, पहले हम उसको डील करेंगे. इससे रिलेवेंट जो जो चीज़ें मैं आपको बता पाऊंगी वो मैं आपको चैप्टर 12 से रिलेटेड भी बता दूंगी. ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चा. सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लूरल वर्ड है. सिंगुलरली इसे माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है. और जब तक आप अच्छे से स्टेन नहीं करते, जब तक आप सेल को प्रॉपर स्टेनिंग नहीं करते हो, तब तक आप माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज नहीं कर पाओगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको देखना इतना ईजी नहीं है. आपको इसको स्पेसिफिकली स्टेन करना पड़ेगा. और कौन सा स्टेन यूज करते हैं हम बच्चा? हम जो स्टेन यूज करते हैं वो होता है जैनिस ग्रीन. क्या नाम है इसका? इसका नाम है जैनिस ग्रीन. तो जैनिस ग्रीन एक स्पेशल टाइप का स्टेन है विच इज यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया. अब हर एक सेल में ना माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरिएबल होता है, यही कह रही है हमारी बुक की नेक्स्ट लाइन. द नेक्स्ट लाइन इज स्टेटिंग यू दैट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल. इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कि आपका सेल कितना ज्यादा एक्टिव है, कितना ज्यादा उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. इस बेसिस पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड किए जाते हैं. जैसे कि हम अगर अपने मसल सेल्स की बात करें तो हमारे पास रेड फाइबर्स और व्हाइट फाइबर्स होते हैं. रेड फाइबर्स ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ज्यादा एक्टिव हैं, इसीलिए उनके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे. ऑन द अदर हैंड जो व्हाइट फाइबर्स है उसमें कम मिलेंगे. तो यहां से हमको ये चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके का सेल है, किस तरीके का रेस्पिरेशन वगैरह परफॉर्म करता है. ऑन दैट बेसिस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम और ज्यादा रहेंगे. तो रेड फाइबर्स में ज्यादा मिलेंगे मसल सेल्स में, व्हाइट फाइबर्स में मिलेंगे कम.
इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों का शेप और साइज, ये भी वेरी करता है। तो यहाँ पर ये चीज भी क्लियर कट बताई गई है कि हर जगह पर सेम शेप का सेम साइज का नहीं होगा, कहीं उसका साइज बड़ा हो सकता है, कहीं साइज छोटा हो सकता है, कहीं उसका शेप सॉसेज होगा तो कहीं सिलेंड्रिकल होगा। तो शेप और साइज भी वेरिएबल रहेगा। अगर हम टिपिकली बात करें मतलब मेजॉरिटी में, तो जो आपको शेप देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी सॉसेज शेप्ड। तो सॉसेज शेप सबसे ज्यादा कॉमन शेप है यहाँ पर, या फिर सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है। डायामीटर क्या है? डायामीटर है 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, मतलब ऑन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर के आसपास आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डायामीटर दिखेगा। बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो लेंथ होगी इसकी बच्चा 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर। और ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो हमको बहुत अच्छे से ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। ये चीज भी ध्यान रखेंगे हम कि स्पेसिफिकली स्टेन नहीं किया जा सकता, इसीलिए बच्चा जो स्टेन हम यूज कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी जानस ग्रीन, तब जाके हम माइटोकॉन्ड्रिया को ढंग से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों दिखता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखना है ना, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को देख के ये समझना है कि अरे इसमें तो दो मेम्ब्रेन्स हैं, मतलब ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, और वो भी मेम्ब्रेन कितनी है? दो है। तो ये न्यूक्लियस के अलावा पहला ही स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है जिसमें हम डबल मेम्ब्रेन्स की बात करें। तो यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमने इसको भी देखना है। अब ये जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है, अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की बात हो रही है, तो बाहर की जो मेम्ब्रेन है ना, बाहर की मेम्ब्रेन बच्चा इसकी कंप्लीटली स्मूथ है, कहीं पर भी कुछ फोल्डिंग्स दिखाई नहीं दे रही है। पर जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसने अपने आप को भयंकर तरीके से फोल्ड कर रखा है ताकि वो सर्फेस एरिया इंक्रीज कर सके। और ये जो अंदर की फोल्डिंग्स हैं, इन इंडिविजुअल फोल्डिंग्स को हम बुलाते हैं क्रिस्टे, इन इंडिविजुअल फोल्डिंग्स को हम बुलाते हैं क्रिस्टे। तो जब इस तरीके से दो लेयर्स हैं, दो मेम्ब्रेन्स हैं, और इस तरीके से इनके बीच में कुछ एक स्पेस है, तो इस स्पेस को हम क्या बुलाते हैं? इस स्पेस को हम बुलाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है ये, आउटर और इनर के बीच की, तो ये कहलाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहां पर आप अंदर ही अंदर देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मतलब जहां पर भाई सारी चीजें एकदम एक दूसरे में कंप्लीटली बराबर है, कुछ भी आप ऐसे हैंड पिक करके अलग नहीं कर सकते, पूरा यूनिफॉर्म दिख रहा है आपको, तो उस चीज को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो ये जो होमोजेनस मिक्सचर आपको दिख रहा है, इस चीज को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। क्या बुलाओगे आप इसे? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। तो इतनी चीजें तो आपने यहां से इस डायग्राम में बेसिकली समझ आ ही गई, ठीक है। तो यही चीज बुक भी कह रही है, बुक कह रही है एवरी माइटोकॉन्ड्रियम इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स, आउटर कंपार्टमेंट एंड एन इनर कंपार्टमेंट। तो इन्हें क्या बोला कि आपके पास दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो अंदर की जो पूरी स्पेस है, पूरी स्पेस को ल्यूमेन कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? पूरे ल्यूमेन को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जा रहा है, दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो यहां पर जब आप कंपार्टमेंट में डिवाइड करें तो दोनों ही कंपार्टमेंट एक्वस हैं, बाहर वाला जो बनेगा वो आउटर कंपार्टमेंट है, अंदर का जो होगा वो इनर कंपार्टमेंट है। इनर कंपार्टमेंट के लिए क्या कहा है कि काफी डेंस है, होमोजेनस है, और ये जो डेंस होमोजेनस सब्सटेंस है इसको पूरे को हम कह रहे हैं मैट्रिक्स। क्या बुला रहे हैं बच्चा इसे? हम इसे हम बुला रहे हैं मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हो गया, ये कहाँ है? अंदर के कंपार्टमेंट में, इट्स इन द इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट के अभी हमने यहाँ पर बात अभी तक तो नहीं करी है। यहाँ पर फिर इसके बाद हमने हमसे कहा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एक कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाएगी। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है? कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री, मतलब यही आउटर मेम्ब्रेन है जो माइटोकॉन्ड्रिया को और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर के साइटोप्लाज्म से सेपरेट करके रखेगी। तो ये एक कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाने का काम करती है। इनर मेम्ब्रेन को देखोगे तो बहुत सारी इनफोल्डिंग्स मिलेंगी आपको, बहुत सारी इनफोल्डिंग्स मिलेंगी, और इन इंडिविजुअल इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे, सिंगुलरली इसे कहते हैं क्रिस्टा, क्रिस्टा। तो क्रिस्टा किसकी इनफोल्डिंग्स है? ये है इनर मेम्ब्रेन की। तो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है बेटा वो आड़ी टेढ़ी है, उसने अपने आप को बहुत सारा गोल 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 घुमा के रखा है, और ये जो ऐसे छोटे 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 ऐसे फोल्ड्स बनाए हैं उसने, उन्हें हम कह रहे हैं क्रिस्टे, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं क्रिस्टे। तो ये फोल्ड कहाँ है? मैट्रिक्स की तरफ है। तो यहां से ध्यान रखना, टूवर्ड्स द मैट्रिक्स होते हैं ये। क्रिस्टे का काम क्या है? क्रिस्टे का काम है जितना ज्यादा सर्फेस एरिया इंक्रीज कर सकें उतना ज्यादा इंक्रीज करके रखें। तो क्रिस्टे का काम है सर्फेस एरिया बढ़ाना, क्योंकि क्रिस्टे में ही
क्रिस्टे में ही प्रेजेंट होता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और साथ में बेटा यहीं पर होता है एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेज, जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेज। तो ये जो क्रिस्टे हैं ये हैं क्या एग्जैक्टली, ये हैं इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में आपको दिखाई देंगे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस। जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ोगे तब ये चीज़ आपको एग्जैक्टली समझ आएगी कि ये जो मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स लोकेटेड होते हैं या बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस लोकेटेड होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है और अल्टीमेटली एटीपी का प्रोडक्शन हमें होता हुआ दिखता है। तो यहीं पर एटीपी सिंथेस एंजाइम भी होता है, यहीं से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एक ऐसा टाइप का रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ATS नाम की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें भी जो ATS वाला पार्ट है वो कहाँ होता है, वो होता है उसकी इनर मेम्ब्रेन यानी क्रिस्टा वाली मेम्ब्रेन में। इसीलिए क्रिस्टे ने अपने आप को इतना ज्यादा फोल्ड करके रखा है ताकि मैक्सिमम सर्फिस एरिया हो सके, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो उतनी एफिशिएंसी पे काम करे और आपके लिए एटीपी का प्रोडक्शन करके दे। तो ये चाहता ही है ऐसा बच्चा कि जितना ज्यादा हो सके मैं उतना प्रोडक्शन करके दूं, इसीलिए इसने अपने आप को ऐसे फोल्ड करके रखा है। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट में हमें यहाँ बताया है कि दोनों ही मेम्ब्रेन्स, चाहे आउटर हो गई या फिर इनर हो गई, दोनों के पास ही अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के साथ एसोसिएटेड रहेंगे मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपको मिलेंगे। मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूंगी ना, मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पाथवे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी साइकिल है जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, वो होती है। तो मेन एरोबिक रेस्पिरेशन की जो साइकिल होती है इसे क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल बुलाया जाता है। ये साइकिल होती है इस मैट्रिक्स में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो चलता है वो चलता है इसकी मेम्ब्रेन में, विच इज द इनर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टे वाली है। तो यहां से बच्चा हमको ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी नॉलेज ध्यान रख लेनी है, रख लेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना फिर चैप्टर 14 में तो पूरा डिटेल में पढ़ाया ही गया है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत है नहीं। यहां पर सिर्फ इतना बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया साइट्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, मतलब पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही अंडरगो होगा। इनका काम है सेल्युलर एनर्जी बनाना, जो एनर्जी बनती है उसका जो फॉर्म होता है उसे आप कहते हो एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है बच्चा? एटीपी का फुल फॉर्म है मैम एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है इसका? एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी को हम कहते हैं बेटा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि बहुत सारे एटीपी बनाता है इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कह रहे हो क्योंकि यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, बहुत ज्यादा अबंडेंट एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है इसीलिए पावर हाउस कहलाती है। एटीपी अपने आप में कहलाता है एनर्जी करेंसी क्योंकि बहुत सारा एटीपी एट अ टाइम प्रोड्यूस करके रख लिया जाता है और जब जरूरत हो स्पेंड किया जाता है और जो काम करवाने हैं वो करवाए जाते हैं। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली द बॉडी इज फंक्शनिंग। अब हम बात करेंगे बच्चा मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में और क्या है? मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होनी है, टीसीए साइकिल, ये तो मैंने आपको बताई दिया तो वो तो ठीक है, पर उसके अलावा मैट्रिक्स में क्या दिखेगा? तो उसके अलावा जब भी मैट्रिक्स की बात होगी ना, मैट्रिक्स की जब भी बात होगी तो आप देखोगे कि मैट्रिक्स एक होमोजेनस सॉल्यूशन थी, डेंस सॉल्यूशन। उसके अलावा यहाँ पर एक डेंस सब्सटेंस हमने इसको बोला, उसके अलावा यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एक सिंगल सर्क्यूलर डीएनए। तो आपको यहाँ पर एक सिंगल सर्क्यूलर डीएनए देखने को मिलेगा। अब ये सिंगल सर्क्यूलर डीएनए है इसके पास, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसके पास खुद का डीएनए होता है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि सेल के न्यूक्लियस में डीएनए है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है। अब यहां हम बात करेंगे एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का इंडिविजुअल डीएनए है, इंडिविजुअल। अब खुद का इंडिविजुअल डीएनए ना, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो बताए क्या कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है भाई कि पहले इनिशियली हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया खुद भी एक सेल रहा हो, खुद भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइप का स्ट्रक्चर रहा हो जैसे बैक्टीरिया होते हैं, बट क्योंकि वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया, कोप अप नहीं कर पाया, तो उसने किसी और की सहायता लेनी शुरू करी, उसने यूकैरियोटिक सेल्स के फिर अंदर रहना चालू किया। इसीलिए इसे एंडोसिम्बायंट भी कहा जाता है। क्या कहते हो इसीलिए आप इसे कहते हो एक एंडोसिम्बायंट।
तो एंडो मतलब जो अंदर रहे, सिम्बायंट मतलब आपकी हेल्प करे, आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, आप भी उसकी हेल्प करो। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए बैक्टीरिया से कंपेयर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाँ, इनके पास खुद का सर्क्युलर डीएनए है। तो ये डीएनए कैसा होता है? सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब एक ही मिलेगा पर ये कैसा होगा? सर्क्युलर होगा। और ये जो डीएनए होगा बच्चा, ये होगा डबल स्ट्रैंडेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सिंगल सर्क्युलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके पास रहेगा। इसके अलावा इसके पास कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं। आप समझ चुके हो ना ये बात कि आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। तो इसके पास आरएनए मॉलिक्यूल्स भी हैं, ये खुद के प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस करवा सकता है। प्लस बच्चा इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी हैं। वाओ, इसके पास क्या है? खुद के राइबोसोम्स भी हैं। तो आरएनए भी है खुद का, खुद के राइबोसोम्स भी हैं, मतलब ये तो खुद के लिए बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली प्रोटीन्स बनाना जानता है, प्रोटीन्स बनाना जानता है। इसीलिए ये अपने प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज कर सकता है, अपने प्रोटीन्स खुद से सिंथेसाइज कर सकता है। और आप कभी भी आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया को फिजन से अपनी कॉपी बनाते भी आता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बाइनरी फिजन करके अपनी कॉपी बनाते भी आता है। ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम इसको बैक्टीरिया से कंपेयर कर पाते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम्स होना मतलब जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वैसे राइबोसोम्स होना, इसीलिए बैक्टीरिया से इतना ज्यादा रिजेंबलेंस शो हमें करता हुआ दिखाई देता है। यही रीजन है कि हम इसे एंडोसिम्बायंट भी बुला रहे हैं। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि मैट्रिक्स में खुद का सिंगल सर्क्युलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, खुद के आरएनए है, खुद के प्रोटीन्स बनाने के लिए वो केपेबल है। तो उसके पास सारी मशीनरी है, राइबोसोम्स हैं 70S टाइप के, बाइनरी फिशन से खुद की कॉपीज भी बना सकता है। तो ये था बच्चा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर रहता है आजकल, इस तरीके से इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए आपको मिलेगा। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अपने डीएनए की कॉपीज भी बना लेगा, अपने आप की खुद की कॉपी भी बनाने के लिए केपेबल है। अब जिसकी हम बात करेंगे ना, वो है हमारा सेकेंड सेल ऑर्गेनल जिसको आज हम देखने वाले हैं। इसका नाम है प्लास्टिड। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्लास्टिड्स। अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, तो पी से याद रखना भैया, ये प्लास्टिड्स किस में मिलते हैं? प्लास्टिड्स मिलते हैं प्लांट सेल्स में। और प्लांट सेल्स के अलावा प्लास्टिड्स आपको मिलेंगे बच्चा यूग्लिनॉइड्स में, यूग्लिनॉइड्स में। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं हमारे, ये आपको सारे प्लांट सेल्स में मिलेंगे, प्लस ये आपको मिलेंगे यूग्लिनॉइड्स में। अब ये यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? यूग्लिनॉइड्स होते हैं प्रोटिस्टा को बिलोंग करने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में रहते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक बनाते हैं। सो दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। और यहाँ पर हम इसे कनेक्टिंग लिंक इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ प्लांट लाइक कैरेक्टर्स होते हैं जैसे प्लास्टिड्स होना, और कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टर्स होते हैं जैसे मूवमेंट शो कर पाना, आई रिसेप्टर्स होना। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इन चैप्टर नंबर 2 कि किस तरीके से होते हैं यूग्लिनॉइड्स। पर हमें क्या पता चल रहा है कि प्लास्टिड्स प्लांट सेल के साथ साथ यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं, इनको हम बहुत इजीली देख सकते हैं। तो इनको देखने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनका साइज काफी बड़ा होता है, काफी लार्ज होते हैं, इसीलिए हमें सेल के अंदर काफी इजीली विजुअलाइज हो जाते हैं। कुछ की हम बात करेंगे ना, तो इनके अंदर कुछ आपको स्पेसिफिक पिगमेंट मिलेगा। पिगमेंट मतलब कलर देने वाला सब्सटेंस। तो कुछ में आपको स्पेशल कलर देने वाला सब्सटेंस मिलेगा जिसके कारण प्लांट को ये अलग अलग कलर दे पा रहे हैं। जैसे प्लांट कहीं ग्रीन दिखता है, कहीं दिखता है ऑरेंज, कहीं दिखता है रेड, कहीं दिखता है पिंक। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड्स आर सेल ऑर्गेनल्स व्हिच माइट बी देयर फॉर गिविंग और इम्पार्टिंग कलर टू द पर्टिकुलर पार्ट। कौन सा पिगमेंट है उसके अंदर, उस बेसिस पे हम प्लास्टिड्स को क्लासिफाई करते हैं इंटू 3 कैटेगरीज। हम उन्हें बुलाते हैं बच्चा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट। जिसमें से जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इसका काम है प्लांट को ग्रीन कलर इम्पार्ट करना। तो आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगा? आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा ग्रीन कलर देने वाला पिगमेंट जो है क्लोरोफिल, जो हमारे फोटोसिंथेसिस का हीरो था, हमने 10th क्लास में देखा है। प्लस इसके अंदर ही आपको मिलेंगे केराटिनॉइड्स, केराटिनॉइड्स। तो क्लोरोफिल और केराटिनॉइड्स आपको मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट में आपको मिलेंगे ज़ैंथोफिल्स, एंथोसाइनेंस, तो ये सब आपको मिलेंगे क्रोमोप्लास्ट में। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट में, तो ये होंगे बच्चा कलरलेस। ये कोई सा भी कलर इम्पार्ट नहीं कर रहे होंगे, कोई सा भी कलर इम्पार्ट नहीं कर रहे होंगे, ये मटेरियल को स्टोर करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो देखो, ये हमारे अगर प्लास्टिड्स थे, तो प्लास्टिड्स में आपको क्रोमोप्लास्ट मिलेंगे,
क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे और मिलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट भी हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें क्योंकि ये कलर तो नहीं दे रहे पर ये मटेरियल स्टोर करते हैं। अगर ये स्टार्च स्टोर करेंगे तो हम इन्हें बुलाएंगे बच्चा अमाइलोप्लास्ट। अगर ये ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करेंगे तो मैं इन्हें बुलाऊंगी इलियोप्लास्ट। क्या बुलाऊंगी? इलियोप्लास्ट। और अगर ये प्रोटीन स्टोर करेंगे तो मैं इन्हें बुलाऊंगी एल्यूरोप्लास्ट। तो इस तरीके से मेरे ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। दे कैन बी अमाइलोप्लास्ट, दे कैन बी इलियोप्लास्ट और दे कैन बी एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, तो देखो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट है भैया वो जिनके अंदर क्लोरोफिल और केराटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट है। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है लाइट को ट्रैप करना, जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हमारा 13 है जो कि है फोटोसिंथेसिस। उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें हम देखेंगे इसको एग्जैक्टली के कैसे काम करते हैं। तो अभी मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ। जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इस तरीके से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बीचों बीच और इसको सराउंड करके रखते हैं बेटा आपके सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो बाकी सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स इसके चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं। उनका काम होता है कि वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करें और जो एनर्जी उनको मिले वो एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करें। फिर क्लोरोफिल ए के पास जब एनर्जी मिल जाती है ना, तो क्लोरोफिल ए आगे का पूरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जितने भी पिगमेंट्स हैं इनका काम ही होता है लाइट को अब्सॉर्ब करना, यानी कि लाइट को ट्रैप करना। तो ये सारे पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ये लाइट को ट्रैप करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, उस लाइट को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके और फिर कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्शन हो सके। तो जिनके पास भी ये पिगमेंट्स हैं केवल वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो हमारा मेन पिगमेंट होता है, रिएक्शन सेंटर बुलाते हैं हम इसे फोटोसिंथेसिस का, और बाकी जितने भी पिगमेंट्स हैं वो सब एक्सेसरी होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा। वो क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा लाइट से, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की एनर्जी ट्रैप करके क्लोरोफिल को देते हैं कि वो आगे काम करे, पर खुद से डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। रिएक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ क्लोरोफिल ए करेगा, बाकी सब उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके प्रोटेक्शन में, उसको एनर्जी गिफ्ट करने में। अब हम बात करेंगे बच्चे अगर क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट के लिए कह रहे हैं भैया कि यहाँ पर आपको मिलेगा फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और दूसरे पिगमेंट्स। तो कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, ये सब कैसे हैं? फैट सॉल्युबल है, तो विटामिन ए का बना है ना, तो विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए ये लोग भी क्या है? फैट सॉल्युबल कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स है। तो कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, ये कलर्स देते हैं येल्लो, ऑरेंज, रेड। और ये येल्लो, ऑरेंज, रेड कलर देने वाले जो पिगमेंट्स हैं वो आपको मिलते हैं बच्चा क्रोमोप्लास्ट में। तो जैसे टमाटर है लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा है, क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा है। पत्ती है ग्रीन क्यों दिख रही है? क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है। तो कौन सा कलर दिख रहा है आपको वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पिगमेंट ज़्यादा है, कौन से प्लास्टिड्स कितने अमाउंट में वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। ल्यूकोप्लास्ट की बात करूंगी तो कैसे हैं बच्चा? कलरलेस हैं। तो कलरलेस होने के अलावा अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं, इनके अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड रहता है। तो अमाइलोप्लास्ट हो गया, अमाइलोस का मतलब स्टार्च है, तो अमाइलोप्लास्ट स्टोर करके रखेगा आपके लिए कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, जैसे कि पोटैटो में है। पोटैटो में तो पोटैटो काट के देखते हो कोई कलर दिखता है? नहीं, व्हाइटिश कलरलेस सा होता है। तो उसके अंदर बहुत सारे अमाइलोप्लास्ट रहते हैं, स्टार्च स्टोरिंग उनका काम है। फिर अगर आप देखोगे तो ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करने वाला है इलियोप्लास्ट, ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करने वाला है इलियोप्लास्ट। तो जहां पर भी आपको ऑयल और फैट का स्टोर दिख रहा है, जैसे ग्राउंडनट की सीड्स हो गई, सनफ्लावर की सीड्स हो गई, सरसों की सीड्स हो गई, सबके अंदर आपको इलियोप्लास्ट मिलेंगे बहुत सारे। फिर अगर मैं बात करूंगी प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं, तो ये है हमारे एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरॉन लेयर होती है, जैसे मेज में प्रेजेंट, एंडोस्पर्म के बीच में हम पढ़ेंगे ये भी, उसी तरीके से जहाँ पर भी एल्यूरो वर्ड है वहाँ पर प्रोटीन होता है। तो ये एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करने वाले प्लास्टिड्स हैं। तो ये ल्यूकोप्लास्ट का एक टाइप होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट को जब हम देखेंगे ना बच्चा, ये मिलते कहाँ हैं? तो जब हम इनके मिलने की बात करते हैं तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं लीफ से, कि भैया एक लीफ होती है और लीफ की अगर हम अनाटमी देखें तो हम ये चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हैं बच्चों कि लीफ में सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं हमारे एपिडर्मल सेल्स, मतलब एपिडर्मिस के सेल्स। तो अपर एपिडर्मिस होगा, नीचे प्रेजेंट होता है लोअर एपिडर्मिस, इतना तो हमें 10th क्लास से पता है।
कि अपर और लोअर एपिडर्मिस होता है, यहीं पर नीचे कुछ पोर्स होते हैं स्टोमाटा नाम के, जिनको सराउंड करके रखते हैं ये स्पेशल किडनी बीन शेप के सेल्स, जिन्हें आप गार्ड सेल्स बुलाते हो, है ना। तो ये चीज़ तो हमें पता है। वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिकल, ये भी हमें पता है। तो इस तरीके से आउटर एपिडर्मिस मतलब अपर एपिडर्मिस और नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस आपको मिलने वाला है। इनके अपार्ट में आपको मिलने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के पैरेन्काइमा सेल्स, कुछ स्पेशल टाइप के पैरेन्काइमा सेल्स। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं कुछ, ये काफ़ी लंबे लंबे से होते हैं, और ये जो लंबे लंबे से पैरेन्काइमाटस सेल्स हैं पिलर लाइक होते हैं ये, इन्हें हम कहते हैं बच्चा पैलीसेड मीजोफिल सेल्स। क्या बुलाती हूँ मैंने बुलाती हूँ पैलीसेड मीजोफिल सेल्स। ये जो पैलीसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं, इनके अलावा एक और होते हैं ऐसे छोटे छोटे गोल गोल, जिनके बीच में काफ़ी एयर और स्पेसेस रहती हैं, इनके अंदर भी बहुत सारा मुझे क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। इनको मैं बुलाती हूँ स्पॉन्जी मीजोफिल, इनको मैं बुलाती हूँ बच्चा स्पॉन्जी मीजोफिल। तो मेरे पास दो स्पेशल टाइप के सेल्स हैं लीफ के अंदर, एक है पैलीसेड मीजोफिल, एक है स्पॉन्जी मीजोफिल्स। दोनों के अंदर क्या है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, जैसे कि लीफ में, वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे इन द मीजोफिल सेल्स। तो ये लीफ के मीजोफिल सेल्स हैं, ठीक है। लीफ के मीजोफिल सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, यही रीज़न है कि लीफ लाइट को ट्रैप करने का काम करती है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। तो इसी रीज़न से ये पार्टिसिपेट कर पाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट रहेंगे, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट रहेंगे। अब ये भैया कैसे हो सकते हैं, लेंस शेप के हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्कॉइड हो सकते हैं, या फिर रिबन लाइक भी हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके का हो सकता है भाई आपका क्लोरोप्लास्ट, लेंस के शेप का, ओवल के शेप का, स्फेरिकल शेप का, डिस्कॉइड शेप का, या फिर हो सकता है रिबन लाइक। तो कैसा भी आपको ये देखने को मिल सकता है। लेंथ होगी इनकी 5 से 10 माइक्रोमीटर्स की, और विड्थ होगी इनकी 2 से 4 माइक्रोमीटर्स के बीच में। मतलब अगेन शेप और साइज यहाँ पर भी वेरिएबल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था। अब इनका नंबर, अगेन इनका नंबर वेरिएबल है। कुछ सेल्स के पास एक ही होता है, जैसे कि अगर आप बात करो एक क्लेमाइडोमोनास की, तो उसमें आपको एक ही देखने को मिलेगा। तो कुछ के पास आपको एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, जैसे ये ग्रीन एल्गे क्लेमाइडोमोनास में। और वहीं पर अगर आप एक मीजोफिल सेल की बात करोगे, एक मीजोफिल सेल की बात करोगे, तो वहां पर हो सकता है आपको 20 से लेकर 40 के बीच में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाए। तो ये वेरिएबल है बच्चा नंबर, डिपेंड कर रहा है कि किसके अंदर आप बात कर रहे हो। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक क्लेमाइडोमोनास, जो एक ग्रीन टाइप का एल्गे है, ये एक प्रोटिस्ट है आज की डेट में, इसको हमने प्रोटिस्ट में डाल दिया, इनमें आपको एक ही देखने को मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड जब आप बात करोगे मीजोफिल सेल्स की, तो वहां आपको देखने मिलेंगे 40 से लेकर 20 तक के बीच में इनका नंबर। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ना, जब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट भी बच्चा एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, काफ़ी बढ़िया सी। ऐसे ही होती है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन भी। तो यहाँ पर आपको इनर मेम्ब्रेन कुछ फोल्डेड वोल्डेड नहीं मिलेगी, इनर मेम्ब्रेन भी आपको इसी तरह दिख जाएगी। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन आप देख पाओगे क्लोरोप्लास्ट में। अब इसके बाद क्या देख पाओगे कि अंदर की तरफ आओगे, जब इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आओगे, तो आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ पर जो लिक्विड भरा है, इसका जो मैट्रिक्स वाला बैकग्राउंड है, उसको हम यहाँ पर बुलाते हैं स्ट्रोमा। क्या बुलाते हैं, उसे हम बुलाते हैं स्ट्रोमा। तो इसका जो बैकग्राउंड यानी मैट्रिक्स है, वो कहलाता है स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को हमने स्ट्रोमा टर्म नाम दिया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कुछ थाइलाकॉइड्स। क्या देखने को मिलेंगे, थाइलाकॉइड्स। तो थाइलाकॉइड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। ये कैसे हैं, ये बेसिकली फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स हैं, मतलब चपटे हैं, फ्लैट हैं, मेम्ब्रेन से सराउंड करे हुए झोले जैसे हैं। और इन झोलों के अंदर, इन झोलों के अंदर प्रेजेंट रहता है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट, प्रेजेंट रहता है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। तो आपको ऐसे थाइलाकॉइड्स बहुत सारे दिखेंगे, और ये सारे थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज रहते हैं। और जब ये इस तरीके से एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं, तो हम कहते हैं कि इनने मिलकर क्या बनाया है, इनने मिलकर बनाया है ग्रैनम, इनने मिलकर के बनाया है ग्रैनम। तो ग्रैनम का जो सिंगल यूलर यूनिट है, इसे हम कह रहे हैं थाइलाकॉइड। बहुत सारे थाइलाकॉइड्स जब स्टैक लाइक माना में अरेंज है, तो आप इसे बुला रहे हो ग्रैनम, आप इसे बुला रहे हो ग्रैनम, ठीक है। या फिर इंटर ग्रैनल थाइलाकॉइड भी आप इसे बुला सकते हो।
और आप ये देखोगे कि एक नहीं मल्टीपल ग्राना होंगे वहाँ पे, मतलब बहुत सारे होते हैं तो ग्राना बुलाते हैं, और ये ग्राना फिर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं तो जिस चीज़ के थ्रू कनेक्टेड है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले, या फिर इसी चीज़ को हम फ्रेट्स चैनल भी बुलाते हैं, इसी चीज़ को हम फ्रेट्स चैनल भी बुला सकते हैं। तो फ्रेट्स चैनल या फिर स्ट्रोमा लैमेले की हेल्प से अलग अलग घराना एक दूसरे से आपको इंटरकनेक्टेड दिखेंगे, अलग अलग घराना आपको एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड दिखेंगे। अब इन मेम्ब्रेन्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए आपको। जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है वो होती है काफ़ी ज़्यादा परमिएबल, मतलब लगभग हर चीज़ को अंदर आने देती है। पर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी ज़्यादा सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये थोड़ी ज़्यादा सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो दोनों ही मेम्ब्रेन है तो परमिएबिलिटी दोनों में है, पर आउटर वाली कंपैरेटिवली ज़्यादा चीज़ों को अलाउ कर रही है अंदर जाने के लिए, बट इनर वाली काफ़ी कम चीज़ों को अलाउ करेगी टू गो इनसाइड। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ से पता होनी चाहिए। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा बच्चा थाइलाकोइड मेम्ब्रेनस सैक्स, साथ में अरेंज्ड है, हम इसे ग्रैनम बुला रहे हैं, अंदर भरा रहता है क्लोरोफिल जो कि रिस्पॉन्सिबल है लाइट को ट्रैप करने के लिए। तो आपके पिगमेंट्स यहीं पर हैं थाइलाकोइड के अंदर, तो जितना भी लाइट को ट्रैप करने वाला काम होता है फोटोसिंथेसिस का, सब कुछ होता है इस ग्रैनम में। और इस स्ट्रोमा में क्या होता है, इस स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, इसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स। तो जब भी कन्वर्जन कराने की बात आती है, कार्बोहाइड्रेट को बनवाने की बात आती है, तो वो वाला काम होता है स्ट्रोमा में। और लाइट को ट्रैप करने का जब काम होता है, लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो होता है आपके किसमें, वो होता है आपके थाइलाकोइड्स में, यानी कि आपके ग्राना में। तो ये चीज़ भी हमको यहाँ से पता होनी चाहिए। देखो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अंदर की तरफ दिख रहा है हमें एक खाली सा जगह जहाँ पर एक लिक्विड भरा होगा जिसे आप स्ट्रोमा कह रहे हो, फिर यहाँ पर थाइलाकोइड्स दिख रहे हैं एक के ऊपर एक, पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्रैनम बुला रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है स्ट्रोमा लैमेले की हेल्प से। थाइलाकोइड के अंदर की जो खाली स्पेस है उसे आप ल्यूमेन बुला रहे हो, उसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेंगे बच्चा बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट्स। तो देखो यही कहा है यहाँ कि फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स भी होती हैं कुछ एक्स्ट्रा, जिन्हें आप स्ट्रोमा लैमेले कहते हो। इनका काम है कि अलग अलग ग्राना को कनेक्ट करें, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रानास को कनेक्ट करने का काम करती है आपकी स्ट्रोमा लैमेले। जो मेम्ब्रेन है थाइलाकोइड्स के, उनके अंदर एक स्पेस है जिसे आपने ल्यूमेन बुलाना है, ठीक है, जिसे आपने ल्यूमेन बुलाना है। स्ट्रोमा के अंदर क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स बनाने में आपकी मदद करेंगे। क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना, तब हम फिर से इसको देखेंगे और तब हमें पता चलेगा कि पूरा फोटोसिंथेसिस हम दो तरीके से बांटते हैं। एक हम कहते हैं कि उसका होता है फोटोकेमिकल फेज, तो पूरा फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में डिवाइडेड है। फोटोकेमिकल फेज को पुराने ज़माने में लाइट फेज कहते थे, और इस फेज में करते हैं लाइट को ट्रैप करने का काम, लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम। तो हम कहते हैं ये वाली स्टेज काय में होती है, ये वाली स्टेज होती है इन ग्राना, तो ये थाइलाकोइड का काम है इसीलिए ग्राना में होती है। ऑन दी अदर हैंड जो फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज क्या है, दूसरा फेज है बच्चा बायोसिंथेटिक फेज। तो इसका जो बायोसिंथेटिक फेज होगा कि आपको कुछ चीज़ बनानी है लिविंग सेल के अंदर, इसको हम पुराने ज़माने में डार्क फेज कहते थे, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइट में नहीं होता है, डार्क में भी नहीं होता है लाइट के, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के उस पर डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए एक मिसनोमर टर्म थी, इसे चेंज करके आजकल बायोसिंथेटिक फेज बुलाते हो इसे। और इसका काम होता है कि यहाँ पर फाइनली उस एनर्जी को यूज़ किया जाए और प्रोडक्शन कराया जाए कार्बोहाइड्रेट्स का। तो यहाँ पर कुछ साइकिल्स ऑपरेट करती हुई दिखाई देंगी आपको, C3 साइकिल मतलब कैल्विन साइकिल। तो वो जितनी भी साइकिल्स होती हैं फोटोसिंथेसिस की, वो कहाँ होती हैं, वो एंजाइम्स को यूज़ करके हो रही होती हैं, इसीलिए वो होती हैं हमारे स्ट्रोमा वाले पोर्शन में, इसीलिए वो होती हैं हमारे स्ट्रोमा वाले पोर्शन में। तो ये चीज़ भी हमें पता चलेगी कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर एग्जिबिट करता है डिविजन ऑफ लेबर, एक जगह एक चीज़ दूसरी जगह दूसरी चीज़ चलती है। अब इसके अलावा अगर आप डायग्राम को देखोगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा भैया कि वहाँ पर जो स्ट्रोमा है उसके अंदर एक स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्क्युलर डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्क्युलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये एक सिंगल नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए हमने कहा है कि स्मॉल है, सर्क्युलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसके बहुत सारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के मॉलिक्यूल्स दिख जाएंगे।
तो इस तरीके से इसके पास भी खुद का डीएनए अगेन प्रेजेंट है। तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक एंडोसिंबायंट था, उसी तरीके से आपका क्लोरोप्लास्ट भी एक एंडोसिंबायंट है। ये भी उस जमाने में शायद बैक्टीरिया जैसा ही था, और हो सकता है तब ये सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हो पर नहीं कर पाया, तो इसने भी यूकैरियोटिक सेल्स का सहारा ले लिया और उनके अंदर आकर रहने लगा। इसीलिए इसे भी हम एक एंडोसिंबायंट कहते हैं। अगेन इसके पीछे का क्या रीज़न है कि इसके पास खुद का डीएनए है, प्लस बच्चों इसके पास भी आपको खुद के राइबोसोम्स मिलेंगे। तो इसके पास भी खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, और इन दोनों चीज़ों के होने के कारण इसको भी हम एक बैक्टीरियल सेल से कंपेयर करते हैं, इसको भी हम एक बैक्टीरियल सेल से कंपेयर कर सकते हैं। तो हो सकता है ये पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल रहे हों, बट जब ये सर्वाइव नहीं कर पाए तो फिर इनने अपने आप को सेल ऑर्गेनल्स में कन्वर्ट कर लिया और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आके रहने लगे। अब ये तो पास्ट में जाके देख रहे हैं हम, तो हम कोशिश कर रहे हैं समझने की कि शायद ऐसा होता होगा। अभी धीरे धीरे जब रिसर्च होगी तो और चीज़ें हमें क्लैरिफाई हो जाएंगी। क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, लेकिन थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट है। राइबोसोम्स यहाँ पर भी बेटा छोटे होते हैं, 70S टाइप के होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स यहाँ भी रहेंगे। तो साइटोप्लाज्म के जो थे वो यूकैरियोटिक सेल है इसलिए बड़े वाले थे 80S, यहाँ पर लेकिन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स मिलेंगे विच आर 70S टाइप राइबोसोम्स, ठीक है, विच आर 70S टाइप राइबोसोम्स। अब अपन बात कर लेते हैं इसी खुशी में बच्चों राइबोसोम्स की। अभी तक जो हमने देखा ना वो हमने देखा अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमें कहाँ देखने को मिला, क्लोरोप्लास्ट हमें को देखने को मिला इन द प्लांट सेल्स, दैट इज इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। तो हमने प्लांट सेल्स यूग्लिनॉइड्स में देखा एक टाइप का प्लास्टिड था। अब जो हम देखने वाले हैं ये है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम एज यू नो सारे सेल्स में मिलने वाला है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हर जगह मिलता है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इनके सेडिमेंटेशन क्वेश्चन में। वो 70S टाइप के होते हैं बैक्टीरिया वाले, यहाँ पर जो मिलेंगे वो मिलेंगे 80S टाइप के। तो राइबोसोम्स की जब भी बात होती है तो ये होते क्या हैं, ये होते हैं बच्चा ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स। और इनको सबसे पहले अगर देखा गया था ना तो इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा गया था। ये डेंस पार्टिकल्स की तरह दिखे थे, और इनको देखने वाले जो इंसान थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था जॉर्ज पैलेट। तो जॉर्ज पैलेट ने इसको देखा था इन द ईयर 1953। तो 1953 में सबसे पहले राइबोसोम्स देखे गए। इन्हीं के नाम पे राइबोसोम्स को हम पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं, पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। राइबोसोम्स को देखोगे तो ये बने किस चीज़ के हैं, ये बने हैं आरएनए के और प्रोटीन्स के, और इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये अपने आप में पूरा का पूरा आरएनए का बना हुआ स्ट्रक्चर है, और साथ में इसके प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा। तो ये आरएनए और प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, और इनके बाहर आपको कोई भी मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से आपके राइबोसोम्स कुछ रहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं 80S टाइप के, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं बच्चा 70S टाइप के। हर राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं, जो बड़ी होती है एक और एक होती है छोटी। तो ये जो बड़ी वाली सब यूनिट होती है, बड़ी वाली 80S राइबोसोम्स के केस में ये होती है 60S, और जो छोटी वाली होती है वो होती है 40S। तो ये दो अलग अलग सब यूनिट्स हैं जो प्रेजेंट होंगी एक 80S राइबोसोम में। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 70S है तो उसकी सब यूनिट कौन है 50 और 30, उसकी सब यूनिट कौन है 50 और 30, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है 80S राइबोसोम की, जिसकी है 60 और 40। तो बेसिक मैथ्स में मत चले जाना, ये बात ध्यान रखना कि अगर 80S है तो 60-40 होगा, 60-40 होगा, और अगर 70S है तो क्या होगा 50-30 होगा, 50-30 होगा। तो 50-30 मिला के 70S बना रहे हैं, 60-40 मिलाकर बना रहे हैं 80S राइबोसोम। अब S क्या है यहाँ पर, एक S है यहाँ पर स्वीडबर्ग्स यूनिट, जिसे हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। और ये इनडायरेक्टली आपको क्या बता रहे हैं, डेंसिटी और साइज। तो इनडायरेक्टली आपको ये बता रहा है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स ज़्यादा डेंसर हैं, उनका साइज ज़्यादा बड़ा है। ऑन दी अदर हैंड 70S टाइप के राइबोसोम्स थोड़े छोटे भी हैं और उनकी डेंसिटी भी कम है। दोनों ही, चाहे 70 हो चाहे 80S राइबोसोम्स हो, दो दो सब यूनिट के बने हैं, जैसे 70 में 50 और 30 और 80 में 60 और 40। तो देखो ये 80S राइबोसोम है, मैमिलियन राइबोसोम, इसका जो साइज है वो होता है 4.2 × 10⁶ डाल्टन्स। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे अगेन तो इसकी दो सब यूनिट है, 60 सब यूनिट और 40S सब यूनिट। 60S सब यूनिट अपने आप में बेटा तीन चीज़ों से बनी है, कौन कौन, एक 28S RRNA से, एक 5.8S RRNA से, और एक 5S RRNA से। तो ये तीन
अलग अलग आरएनए से मिलकर 60S वाली सब यूनिट बनी हुई है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद कर लेना इस चीज़ को। प्लस इसमें 49 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो इनको होल्ड करके बाइंड करके रख रहे होते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे 40S सब यूनिट की, तो ये बनी होती है 18S आरएनए की, ठीक है, 18S आरआरएनए की, और यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं 33 प्रोटीन्स। तो ये थोड़ी सी चीज़ हम मेमोराइज कर सके तो हमारे लिए बेहतर रहेगा बेटा, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें याद रख लेना। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देख रहे हैं यही कि हमारा जो 80S राइबोसोम है, जैसे हमने 70S के सब यूनिट्स और उनका साइजेस याद किया था ना, उसी तरीके से हम 80S का भी याद करेंगे, क्योंकि 70S का आ चुका है एग्जाम में, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चंस बाहर से आते हैं उसमें हो सकता है कि ये चीज़ पूछ ली जाए। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, हम यहाँ बेसिकली यही चीज़ देख रहे हैं बेटा कि हमारे पास 80S राइबोसोम की जब भी हम बात करते हैं, तो ये राइबोसोम्स हमें सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। इनका साइज होता है लगभग 30 से लेकर 34 नैनोमीटर इनटू 24 नैनोमीटर्स, और मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग 4 × 10⁶ डाल्टन्स। 80S राइबोसोम्स अपने आप में किस चीज़ के बने हैं, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, मतलब इसमें भी आरएनए और प्रोटीन ही मिलेगा आपको। 40% मिलेंगे आपको आरएनए, 40% मिलेंगे आपको आरएनए, 60% मिलेगा आपको प्रोटीन। तो 40:60 का रेशियो रहेगा, लार्जर सब यूनिट 60S है, स्मॉलर सब यूनिट 40S है। अब ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट जो 60S सब यूनिट का है वो होता है 2.7 × 10⁶ डाल्टन। 60S सब यूनिट में तीन चीजें आएंगी, 28S, 5.8 और 5S, मैं आपको बताई चुकी हूँ। इनका इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट ये लिखा हुआ है, 28 का है 1.7 × 10⁶, 5.8 का है 3.5 × 10⁴, और 5 का है 3.2 × 10⁴। मॉलिक्यूलर वेट की हम बात करें अगर 40S सब यूनिट की, तो इसका होगा 1.3 × 10⁶। 40S सब यूनिट में एक ही चीज मिलेगी आपको, वो है 18S आरआरएनए। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जो इसका होता है वो होता है 0.7 × 10⁶। तो यहाँ से बच्चा हम यही याद करेंगे कि किसका क्या क्या वेट है, ठीक है। इतना देखने के बाद हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ये दो सब यूनिट्स हैं तो ये सब यूनिट्स आपस में ज्वाइन कैसे हो रही हैं। तो ये सब यूनिट्स आपस में अटैच होती हैं या ज्वाइन होती हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस। तो Mg आयंस इनको आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है जिस पर ये बाइंडिंग हो पाती है, वो है 0.001 मोल, ठीक है। तो ये इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, जब इतना होगा तब जाके ये दोनों आपस में कंबाइन अप करेंगे। अगर ये मैग्नीशियम आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म में इससे नीचे चला जाता है, तो ये दोनों राइबोसोम की यूनिट सेपरेट हो जाती है, ठीक है, तो ये सेपरेट हो जाती हैं। तो मैग्नीशियम आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज रहता है 10 गुना ज्यादा, तब जाकर दो राइबोसोम यूनिट्स अपने आप को अटैच करके डाइमर बनाती हैं। तो आपको इतना ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैग्नीशियम आयन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे एक एमआरएनए की चेन पे 4 से 5 राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं, तो ये जो चेन कहलाती है ये कहलाती है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। राइबोसोम्स का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस में ये लोग हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ ध्यान रखना है तो ये याद रखना है कि राइबोसोम का फॉर्मेशन कराता कौन है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन होता है राइबोसोमल सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस रिस्पॉन्सिबल है राइबोसोम्स का सिंथेसिस कराने में, तो वो राइबोसोम्स का सिंथेसिस कराता है, इसीलिए आरआरएनए का फॉर्मेशन वगैरह हमें देखने को मिल जाता है। एक छोटा सा पॉइंट है ये कि गंटर है जो और डेविड सैबटनी है, ये लोग हैं रॉकफेलर यूनिवर्सिटी से, इनने एक सिग्नल हाइपोथेसिस प्रपोज की थी 1971 में। तो ये भी बचास्टिक नॉलेज की चीज़ है, रेयर चांसेस हैं कि पूछा जाएगा, बट अगर पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए। अब चलो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है हमारा साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन की बात करोगे तो क्या दिखेगा, साइटोस्केलेटन की बात करेंगे ना तो दिखेगा कि भैया यहाँ पर बहुत सारे फिलामेंटेशियस प्रोटीन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फिलामेंटेशियस प्रोटीन्स हैं, और ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं इनमें कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, कुछ माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और कुछ है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये पूरे साइटोप्लाज्म में बच्चा प्रेजेंट रहते हैं, और साथ में मिलाकर हम इन्हें कहते हैं साइटोस्केलेटन। क्या बुलाते हैं साथ में हम इन्हें, साइटोस्केलेटन। तो एक एलोबरेट नेटवर्क है, मतलब पूरा फैला हुआ नेटवर्क है, किन चीज़ों का, तीन चीज़ों का, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो तीन चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमें, तीन चीज़ें देखने को मिल रही है, मार्क कर देंगी मैम आपके लिए। क्या है ये, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। क्या क्या मिलेगा, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मिलेंगे। कहाँ प्रेजेंट है, पूरे साइटोप्लाज्म में, और साथ में मिलाकर क्या कह रहे हो,
साथ में मिलाकर कह रहे हो बच्चों साइटोस्केलेटन, तो जो पूरा ध्यान देगा रिजिडिटी टफनेस वगैरह वगैरह सब वो इन्हीं प्रोटीन के बने हुए अलग अलग फिलामेंट्स हैं जो हेल्प करने वाले हैं। मेन काम क्या है? मेन काम है इनका वही मैकेनिकल सपोर्ट, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है सेल के मूवमेंट यानी मोटिलिटी में हेल्प करना, और तीसरा फंक्शन है सेल के शेप का मेंटेनेंस करना। तो आप देखोगे कि साइटोस्केलेटन के तीन फंक्शंस हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो ये है हमारा साइटोस्केलेटन, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि क्या होता है ये। तो ये बेसिकली फिलामेंटस प्रोटीन्स का एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क होता है, पूरा का पूरा जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें यहाँ पर आपको इस तरीके से अलग अलग प्रोटीन्स ऐसे ऐसे दिखेंगे जो क्या कर रहे होंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होंगे, उसके शेप को मेंटेन करके रख रहे होंगे, प्लस उसको यहाँ वहाँ मूव कराने में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो देखो इस तरीके से होते हैं, ये मेम्ब्रेन है और यहाँ पर अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ये तीनों के तीनों प्रेजेंट रहेंगे। तो इमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट, माइक्रोफिलामेंट्स और हमारे दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब मिलाकर आपके लिए साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अब ये देखो एक छोटा सा हमारा चार्ट है जो हम याद करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं इनके जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये अंदर से हॉलो होते हैं और इनके अंदर 13 के आसपास प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये अंदर से आपको खाली दिखेंगे और इनकी जो वॉल होगी वो किस चीज़ की बनी होगी, 13 डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्रोटोफिलामेंट्स वहाँ पर अरेंज रहेंगे। इंटरमीडिएट फिलामेंट की हम बात करेंगे तो ये भी हॉलो है और इनकी वॉल में होंगे 5 to 8 प्रोटोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट की बात करोगे ना लेकिन तो ये सॉलिड होगा, सॉलिड होगा और ये बना होगा पॉलीमराइज्ड एक्टिन का, मतलब बहुत सारे एफ एक्टिन का ये बना है। तो ग्लोबुलर एक्टिन होता है बेटा जी, 5 से 6 G एक्टिन्स मिलाकर एफ एक्टिन बनाते हैं, तो उसी की हेल्प से माइक्रोफिलामेंट बना होता है। डायमीटर की बात करोगे आप तो इसका डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर्स, इंटरमीडिएट का होता है 10 और माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं इसमें होते हैं 5 to 6 डायमीटर यानी उसका नैनोमीटर इतना होता है। मोनोमर्स की बात करेंगे तो ये बना है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, तो अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट बना होता है 5 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स का, तो केराटिन, डेस्मिन, विमेंटिन, न्यूरोफिब्रिल्स और ग्लियल फिलामेंट, मतलब 5 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स मिलाकर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाते हैं। और जब हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करेंगे क्योंकि ये एक्टिन का बना है, एफ एक्टिन का, मतलब इसका मोनोमर कौन है, ग्लोबुलर एक्टिन यानी जी एक्टिन है। ध्यान क्या रखना है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन माइक्रो ट्यूब्यूल्स में, ग्लोबुलर एक्टिन माइक्रो फिलामेंट में, और केराटिन, डेस्मिन सारे के सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान रखनी है। इसके बाद फंक्शन की बात करेंगे बच्चों हम, तो माइक्रो ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है, माइक्रो ट्यूब्यूल का फंक्शन है स्पिंडल फाइबर बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या काम है, स्पिंडल फाइबर्स बनाना। स्पिंडल फाइबर्स हम पढ़ेंगे सेल डिविजन के टाइम पे, कुछ फाइबर्स बनते हैं, क्रोमैटिन को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, तो वो इसकी हेल्प से बनेंगे। इसके अलावा जो सेंट्रियोल की हमने बात की थी, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, उसके फॉर्मेशन में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। प्लस जितना भी बेसल बॉडी है, सीलिया, फ्लैजेला, ये सब कुछ माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से बनेगा। तो बेसिकली जहाँ पर भी मूवमेंट करवाना है, वो मूवमेंट कराने के लिए जो भी स्ट्रक्चर्स बनवाने हैं वो बनवाते हैं आपके लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन है, स्पिंडल फाइबर, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स प्लस आपकी बेसल बॉडी, सब कुछ इसकी हेल्प से बन रहा है। बात करेंगे अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो यहाँ आप देखोगे कि इसका काम है सेल के शेप को मेंटेन करना, सेल के शेप को मेंटेन करना। ये मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो स्किन और हेयर बना रहे, इसीलिए हम कहते हैं कि केराटिन का बना हुआ है, और इसका काम है एक्सॉन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो ये ग्लियल फिलामेंट वगैरह भी इसी का पार्ट है, न्यूरो फिब्रिल भी इसी का पार्ट है, इसीलिए एक्सॉन को स्ट्रेंथ देने का काम भी करते हैं। अब अपन मूव करेंगे माइक्रोफिलामेंट पे, तो माइक्रोफिलामेंट का काम होता है बच्चा साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइक्लोसिस चलता है, साइकिल चलती रहती है उसके अंदर, घर 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 गाड़ी, वो करवाना इसी का काम है, ये है हमारा माइक्रोफिलामेंट। उसके अलावा इसी की हेल्प से एनिमल सेल्स के बीच में क्लीवेज हो पाता है, मतलब एनिमल सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो पाते हैं, डिविजन हो पाता है। फिर हम बात करेंगे तो एक ग्लाइडिंग अमीबॉइड मूवमेंट भी कराता है, तो अमीबा का जो मूवमेंट हो रहा है, WBCs का जो मूवमेंट हो रहा है, वो माइक्रोफिलामेंट्स कराते हैं। और साथ साथ माइक्रोफिलामेंट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपकी हेल्प करेंगे, तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में
कॉन्ट्रैक्ट कराने में भी इन्हीं का रोल है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनका रोल है, क्लीवेज करवाने में, अमीबॉइड मूवमेंट में, साइक्लोसिस में, सब में आपकी माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करने वाले हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा बच्चा कि ये सब साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स हैं। तो साइटोस्केलेटन में क्या देखने को मिला था हमें कि पूरा प्रोटीनेशियस फिलामेंट के बने हुए हैं ये, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स, तीन चीज़ें होती हैं। हमने तीनों चीज़ों को बच्चा इंडिविजुअली देख लिया है। तीनों चीज़ें इंडिविजुअली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब एम्स होता था काफ़ी क्वेश्चंस आते थे तो वो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने इसको अभी देखा है। ऑर्गेनेल जो कि है सीलिया और फ्लैजेला, तो अब हम डिस्कस करेंगे सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। तो देखो, सीलिया को सिंगुलरली हम कहते हैं सीलियम और फ्लैजेला को क्या बुलाते हैं, इसे बुलाते हैं फ्लैजेलम। तो ये दोनों होते क्या है बेसिकली, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि किसके आउटग्रोथ्स है, सेल मेम्ब्रेन की। जबकि हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तो वहां सीलिया सेल वॉल से निकलता था, तो बैक्टीरिया हमने देखा था कि सेल वॉल का एक्सटेंशन होता था सीलिया, बाहर कैप्स्यूल हो सकती थी। बट यहां जब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि मेम्ब्रेन से डायरेक्टली ये जो सीलिया या फ्लैजेला है ये अराइज होंगे। तो वहां पर हमें फ्लैजेला दिख रहे थे जो कि सेल वॉल से निकले थे, यहाँ पर हमें सीलिया फ्लैजेला जो भी निकलते हुए दिखेंगे वो मेम्ब्रेन से निकलते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन के। सीलिया होते हैं बच्चा छोटे छोटे जो ओर्स की तरह काम करते हैं, मूवमेंट कॉज कराते हैं सेल्स का या फिर उसके सराउंडिंग फ्लूइड का। तो आपको पता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिएटेड एपिथीलियम है, तो हेयर लाइक सीलिया है, वहाँ म्यूकस को पुश करते हैं। हमारी फैलोपियन ट्यूब में ओवम को पुश करके भेजने के लिए वहाँ पर भी सीलिएटेड एपिथीलियल टिश्यू है। तो ये सीलिएटेड एपिथीलियल टिश्यू का काम ही होता है कि ये चीज़ों को मूव करवाएं। फ्लैजेला की आप बात करोगे तो ये कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली बड़े होते हैं और इनका भी काम होता है सेल का मूवमेंट कराना। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी सीलिया है बट ये लोग स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं देन द यूकैरियोटिक सीलिया। अब इसका क्या मतलब है, अभी हम देखेंगे कि सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर क्या होता है। सीलिया और फ्लैजेला का जब हम यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि 9+2 अरेंजमेंट है, और जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में बात करेंगे तो हम कहेंगे बच्चा कि ये 9+0 अरेंजमेंट है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, चलो देख लेते हैं। ये देखो, इस तरीके से आपको इसका अरेंजमेंट दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से बेसल बॉडी, सीलिया फ्लैजेला, स्पिंडल फाइबर सब बन रहे हैं, तो उसी से ये सीलिया फ्लैजेला बने होंगे। तो ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स के आपको पेयर्स मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं डबलेट्स। तो ऐसे टोटल मिला के 9 डबलेट्स आपको मिलने वाले हैं। कितने? 9। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये 9 कहाँ है? बाहर की तरफ है। तो हम कहते हैं 9 पेरीफेरल डबलेट्स। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट्स हैं जो पेरीफेरी में यानी बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और 2 कहाँ है? 2 सेंटर की तरफ है। 2 कहाँ है? सेंटर की तरफ है। तो इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट इसे हम कहते हैं, इसीलिए हम इसे 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे सीलिया और फ्लैजेला की ना, तो आपको यही दिखाई देगा कि बाहर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने के अलावा जो सेंटर में कोर है उसे आप कहते हो एक्सोनीम। तो सेंटर में आपको एक्सोनीम का कोर मिलेगा और आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं जो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलली प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे डबलेट्स देखने को मिलेंगे। अभी हमने बात करी कि 9 होंगे टोटल, तो मैं बना नहीं रही हूँ, आप बुक में डायग्राम देख सकते हो, इस तरीके से 9 आपको डबलेट्स मिलेंगे। तो ये हमारे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, बाहर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, बाहर डबलेट हैं, तो इस एक में ए बी हैं, सारे ए बी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन चीज़ों की हेल्प से जुड़े हुए हैं उन्हें हम नेक्सन कहते हैं। यहाँ से निकलते हैं और बीच की तरफ आते हैं रेडियल स्पोक्स। तो 9 डबलेट से 9 रेडियल स्पोक्स टुवर्ड्स द सेंटर आएंगे, और ये हमारे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिनके आजू बाजू एक शीथ प्रेजेंट रहती है। देखो यही लिखा है यहाँ पर कि जो एक्सोनीम है वो यूजुअली 9 डबलेट्स का बना होता है जो रेडियली अरेंज रहते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एक पेयर है जो सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। तो ये बीचों बीच है, इसके आजू बाजू ये शीथ है और यहाँ पर बाहर 9 है, और ये 9 कैसे है, ये 9 एक दूसरे से भी कनेक्टेड है और इन 9 से एक एक रेडियल स्पोक भी अंदर की तरफ आ रहा है, तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हम अप्रिशिएट कर पाएंगे।
ठीक है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हम लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है सीलिया और फ्लैजुला में। इसको हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट, और ये एक यूकैरियोटिक सीलिया में अरेंजमेंट है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्ड टू एज 9+2 array। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बाद ही हमें ये पता चला कि बाहर मेम्ब्रेन होती है बच्चा, जो अंदर का पूरा कोर है इसे हम एक्सोनीन कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल में रन कर रहे हैं। और एक्सोनीम जो है इसमें 9 doublets हैं बाहर की तरफ रेडियली अरेंज, और एक पेयर है जो सेंट्रली लोकेटेड है। ठीक है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है ना, वो कनेक्टेड है एक दूसरे से ब्रिजेस की हेल्प से, और एक सेंट्रल शीथ ने उसको कवर करके रखा है। ठीक है, और ऐसे ही पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है ब्रिज की हेल्प से, बीच वाले इस तरीके से, और आजू बाजू इनके सेंट्रल शीथ है, तो ऐसे सेंट्रल शीथ होगी। और ये किससे कनेक्टेड है, ये बाहर वाले पेरिफेरल ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स। तो 9 है बाहर, तो रेडियल स्पोक्स भी टोटल मिलाकर 9 होंगे जो इनको कनेक्ट कर रहे होंगे बाहर के माइक्रो ट्यूब्यूल से जो पेरिफेरली लोकेटेड है। इसलिए टोटल मिलाकर 9 रेडियल स्पोक्स रहेंगे। तो ये रेडियल स्पोक्स होते हैं, ठीक है, ये रेडियल स्पोक्स होते हैं। तो डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, डायग्राम भी हमें ध्यान रखना है। तो ये रेडियल स्पोक्स का डायग्राम है। पेरिफेरल डबलेट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है लिंकर्स की हेल्प से, जिसी को हम, मैंने क्या बताया था अभी आपको, कि इसी को हम निक्सिन कहते हैं। तो ये जो निक्सिन है यही हमारा लिंकर है, तो लिंकर की हेल्प से ये अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बुक में लिंकर लिखा है तो हम इसको बिल्कुल ही लिंकर ही याद रखेंगे। दोनों सीलिया और फ्लैजुला सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंट्रियोल के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो किससे अराइज हो रहे हैं बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी किससे बनी है, माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। तो यही चीज़ हमने पूरी कहानी में देखी, अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है, प्रोटोफिलामेंट्स से मिलके बना होता है, ये सारे स्ट्रक्चर्स वही बना रहा है। चाहे फिर आप सीलिया फ्लैजुला की बात करो, चाहे आप सेंट्रियोल की बात करो, सब में आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं बेटा बैक्टीरियल फ्लैजुला और यूकैरियोटिक फ्लैजुला के बीच में डिफरेंस। बैक्टीरियल फ्लैजुला की बात करेंगे ना हम, तो हमें अंदर की तरफ कोई भी शीथ नहीं दिखेगी, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिखेगा। बैक्टीरियल फ्लैजुला जो है उसकी लेंथ होगी 1 से लेकर 7 micrometers के बीच में, और इसका डायमीटर होगा लगभग 20 nanometers के आसपास। ये जिस प्रोटीन का बना है उस प्रोटीन का नाम है बेटा फ्लैजुलिन, और इसका अरेंजमेंट रहेगा 9+0, ठीक है, 9+0। ये एक प्रोटॉन ड्रिवन सिस्टम रहेगा, कि प्रोटॉन से एनर्जी लेकर काम करेगा। यूकैरियोटिक फ्लैजुला की बात करेंगे तो शीथ प्रेजेंट रहेगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है। इसका साइज होगा 100 से 200 माइक्रोमीटर्स और 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सीलिया जो होगा वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होगा, 5 से 20 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होगा, अरेंजमेंट होगा 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट, और ATP को यूज करके चलेगा। अब इतनी चीज़ें जो हमने आज देखी ना, यही चीज़ें हैं जो हमें इस टॉपिक से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक जितना भी हमने देख लिया है, इसमें से हमें साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत थोड़ा सा दिया था, इसलिए हमने थोड़ा डिटेल में देखा है। सीलिया फ्लैजुला के बारे में हमने डायग्राम की हेल्प से थोड़ा डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस, फिर हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स, और कंप्लीट करेंगे हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर। बट यू ऑलरेडी नो इट कि अगर आपको यहाँ से कुछ भी हेल्प मिल रही है, इफ़ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल, अगर आपसे क्लासेस अटेंड करने के बाद क्वेश्चन वाला राउंड पूरा बन रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट योर फ्रेंड्स नो, लेट अस बी अ गाइडिंग लाइट टूवर्ड्स योर ड्रीम डेस्टिनेशन, दैट इज अ टॉप सीट इन अ बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द कंट्री। तो हमारी साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, और इसके बाद तुरंत से हम देख लेते हैं क्या हमारे क्वेश्चंस। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीलिया इज नॉट करेक्ट, कि सीलिया के बारे में इसमें से क्या करेक्ट नहीं है। अब देखो, ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब बोलो मैम, इतना खतरनाक स्टेटमेंट है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है भाई, मैंने भी नहीं पढ़ा, छोड़ देते हैं इसको, आगे पढ़ते हैं। सीलिया आर हेयर लाइक सेल्यूलर अपेंडेजेस,
हाँ ये तो पढ़ा है. सीलिया कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल. ये भी पढ़ा है, 9+2 अरेंजमेंट है. माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल एंड प्रोटीन. बिल्कुल, मतलब बाकी तीनों ऑप्शंस एकदम सही हैं. तो हमें क्या बताना है, गलत क्या है? तो ऑब्वियसली बात है, जो हमने नहीं पढ़ा वही इसका गलत ऑप्शन है. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज रॉन्ग? बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट ऑफ थायलाकोइड स्पेस बाउंडेड बाय थायलाकोइड मेम्ब्रेन. बोथ कंटेन डीएनए. क्लोरोप्लास्ट आर जनरली लार्जर. बोथ आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन. तो बिल्कुल ये तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, मतलब गलत स्टेटमेंट अगेन है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टे अकरिन. क्रिस्टे किस में थे? इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स. क्रिस्टे थे माइटोकॉन्ड्रिया में. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग द राइबोसोम सब यूनिट टुगेदर. कौन है ये? मैग्नीशियम. तो Mg2+ है जो इसको साथ में लेकर आ रहा है. फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि साइटोस्केलेटन किस चीज से बना है. साइटोस्केलेटन किस चीज से बना है? तो पहली लाइन है बुक की, एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट. इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज करेक्ट. इनमें से क्या सही है? तो इनमें से क्या सही है भैया, ऑयल स्टोर करते हैं रोडोप्लास्ट, प्रोटीन स्टोर करते हैं अमाइलोप्लास्ट, स्टार्च स्टोर करते हैं एलियोरोप्लास्ट, फैट स्टोर करते हैं इलियोप्लास्ट. डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ प्लांट सेल. साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ प्लांट सेल. तो साइज की हमने जब बात की थी तो हमने देखा था कि ये 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर्स के बीच का हो सकता है. तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, विच इज सी. एनसीईआरटी खोलकर अच्छे से एक बार चेक कर लेना. मूव करते हैं नेक्स्ट पे, एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट. वाह भाई, बुक की पहली लाइन से भी क्वेश्चन आ चुका है जो कि था साइटोस्केलेटन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू फॉर राइबोसोम? प्रोकैरियोट्स के पास ATS होते हैं? नहीं होते. कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन? जी. फाउंड इन ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स? बिल्कुल नहीं. सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स? नहीं बाबा. तो ऑप्शन क्या है, कि राइबोसोम्स हमारे बनाए हैं RNA और प्रोटीन के. तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बच्चा कि विच सेल्यूलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड. किसको हमने सही डिस्क्राइब किया है? थायलाकोइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं जो ग्राना बनाते हैं. हाँ जी एकदम सही है. सेंट्रियोल साइट है एक्टिव RNA सिंथेसिस के? नहीं. राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट के बड़े हैं? बिल्कुल नहीं. लाइजोसोम्स? बिल्कुल नहीं भाई, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं. तो ए ऑप्शन सही था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन. कब स्टडी कर पाए थे आप डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन? कब स्टडी कर पाए थे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आ गया था आप स्टडी कर पाए थे इन 1950s. आएगा बेटा ऑप्शन सी. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इनमें से किसके पास DNA नहीं है? किसके पास DNA नहीं है? तो न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है, पर इनके पास नहीं है. मूव करते हैं क्वेश्चन 13 पे. साइटोस्केलेटन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ. साइटोस्केलेटन किस चीज का बना है? प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स. इसीलिए आंसर है ए, प्रोटीन. नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. क्या गलत दिया हुआ है? तो क्या गलत दिया हुआ है भैया, इलियोप्लास्ट सही है, एलियोरोप्लास्ट गलत है. प्रोटीन आंसर होना चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर इज नोन एज. तो देखो सॉलिड बोल दिया, एक ही सॉलिड था हमारा माइक्रोफिलामेंट, एक ही टाइप के मोनोमर का बना है जी एक्टिन. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. मूव करते हैं क्वेश्चन 16 पे. मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स. मैच करना है और बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा. तो देख लेते हैं, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, सीलिया फ्लैजेला. क्यों नहीं कर देती हूँ. क्लोरोफिल काय के अंदर होते हैं? थायलाकोइड्स के अंदर होते हैं. क्रिस्टे क्या है? इनफोल्डिंग्स हैं. राइबोसोम्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड है. तो भैया राइबोसोम्स मतलब डी का मैंने मार्क करा है 3, ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं मेरे पास. सेंट्रियोल का मार्क करा है 1 का 4, मतलब आंसर है मेरा बी. ठीक है, आंसर है मेरा बी. मूव करते हैं क्वेश्चन 17 पे. प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स. प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला याद करो, अभी मैंने बताया बैक्टीरियल फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन. बैक्टीरियल फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन. अगर यहीं पर यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता तो क्या आंसर हो जाता? ट्यूब्यूलिन. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेल्यूलर कंपार्टमेंट इज लाइकली टू बी एब्सेंट इन प्लांट रूट. कि प्लांट के रूट में आपको इनमें से कौन नहीं मिलेगा, प्लांट की रूट में इनमें से आपको कौन नहीं मिलेगा, क्या लगता है आपको? तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट की रूट में इनमें से हमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का तो काम है लाइट को ट्रैप करना, रूट के पास ये फंक्शन यूजुअली होता नहीं है. अरे वाह, क्वेश्चन आ गया.
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 50s सब यूनिट इन 70s राइबोसोम. 50s की सब यूनिट का साइज क्या था याद करो, इट वॉज 1.8 × 10⁶ डाल्टन्स. तो आंसर है ए. नेक्स्ट है इन क्लोरोप्लास्ट डीएनए एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन दिस. क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, ऑब्वियसली बात है स्ट्रोमा में. तो आंसर है ए स्ट्रोमा. आंसर है ए स्ट्रोमा. मूव करते हैं क्वेश्चन 21 पे. द करेक्ट मैच द नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल एंड इट्स फंक्शन. तो हमें करेक्ट मैच करना है सेल ऑर्गेनेल का नाम और उसके फंक्शन के साथ. तो SER के लिए लिखा है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, पहला ही सही लग रहा है मुझे तो भाई. गॉल्गी अपैरेटस के लिए लिखा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. माइटोकॉन्ड्रिया के लिए लिखा है प्रोड्यूसिंग सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ADP लिखा है भैया. लाइसोसोम्स के लिखा है प्रोटीनसिस. ठीक है तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है. मूव करते हैं क्वेश्चन 22 पे. सेल ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन्स आर. मेम्ब्रेन किस किस में प्रेजेंट है ये ढूंढ के बताना है. क्रोमोसोम में, राइबोसोम में नहीं है. ER में, राइबोसोम में नहीं है. लाइसोसोम, गॉल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया सब में है, बाकी तीनों में बेटा राइबोसोम ऑप्शन था, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट है. मूव करते हैं क्वेश्चन 23 पे. द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेल्स इन क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज ग्राना. तो ये जिन स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है ये कौन है, ये थाइलाकॉइड्स है. इनके अरेंजमेंट से क्या बनता है, ग्राना बनता है. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे. साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन. अभी साइटोक्रोम्स क्या है, साइटोक्रोम्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट, जहां से एक से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जा रहा था. तो थोड़ा सा याद करके देखो मैंने क्या बोला था कि अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जिसने अपने आप को क्रिस्टे में कन्वर्ट कर रखा है, उसमें प्रेजेंट होते हैं ETS यानी कि साइटोक्रोम्स वगैरह सब. बात करते हैं डीएनए किस में नहीं है, डीएनए किस में नहीं है. तो ऊपर के तीनों में डीएनए होता है, राइबोसोम्स में डीएनए नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं, सेमी ऑटोनोमस हैं, बिल्कुल हैं, खुद काम अपने लिए कर सकते हैं, अपने प्रोटीन वगैरह बना रहे हैं, सेमी ऑटोनोमस होंगे. डिवीजन से बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स की और कंटेन करते हैं डीएनए, बट लैक करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. तो यहां तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, बट ये लैक नहीं करते हैं बेटा, ये अपने लिए प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, इनके पास राइबोसोम्स रहते हैं. तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन गलत है. तो ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, सी ऑप्शन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 27, माइक्रोट्यूब्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ. माइक्रोट्यूब्यूल से क्या क्या बनेगा, माइक्रोट्यूब्यूल से क्या क्या बनेगा. माइक्रोट्यूब्यूल से बनेंगे बच्चा स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल और सीलिया. तो ये सारे के सारे बनेंगे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से. बात करते हैं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स जो कि प्लांट सेल वैक्यूल्स में मिलते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं. तो इन्हें हम बुलाते हैं एंथोसाइनेंस. तो एंथोसाइनेंस आपको प्लांट सेल के वैक्यूल्स में मिलेंगे, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं. मूव करते हैं क्वेश्चन 29 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ATP. कौन निकाल सकता है, तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है का ही काम है, एरोबिक रेस्पिरेशन, इसीलिए आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे. जो पूछ रहा है स्पिंडल फाइबर्स ऑफ माइटोटिक सेल्स आर मेड अप ऑफ, स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, तो अगेन कोई डाउट होना नहीं चाहिए हमें, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं, इसलिए ट्यूब्यूलन प्रोटीन के बने हुए रहेंगे. मूव करते हैं क्वेश्चन 31 पे. डीएनए इज प्रेजेंट इन, किस किस में डीएनए होगा. तो डीएनए होगा बच्चा सी ऑप्शन में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में आपको डीएनए देखने को मिलेगा. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछ रहा है जीन्स जो कि साइटोप्लाज्म में है यूकैरियोटिक सेल के, वो कहाँ से आई होंगी, कहाँ से आई होंगी. अगर साइटोप्लाज्म में है तो वो क्यों है, बेटा वो इसीलिए है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और दूसरी चीज इसीलिए है क्योंकि एग के साइटोप्लाज्म में थी. तो एग का ही साइटोप्लाज्म रहता है जो रहता है, स्पर्म का तो सिर्फ न्यूक्लियस आ जाता है अंदर, इसलिए एग के साइटोप्लाज्म में अगर जीन्स हैं तो वो रहेंगी, और माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि रेप्लिकेट किया होगा तो उसकी भी रहेंगी. तो इसका आंसर है ए. ऐसा आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बट आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, अभी के लिए आप बस इतना समझ लो. क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज कॉमन बिटवीन क्लोरो क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्या कॉमन है इनके अंदर क्या कॉमन है, कि ये मल्टीप्लाई करते हैं फिजन लाइक प्रोसेस से, स्टोर करते हैं स्टार्च प्रोटीन्स और लिपिड्स, इनके अंदर थाइलाकॉइड और ग्राना होता है, या फिर इनके पास कुछ ना कुछ पिगमेंट वगैरह प्रेजेंट रहता है. क्या लगता है आपको इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज होंगी, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में क्या सिमिलैरिटीज होंगी. ये लोग अपने लिए क्या कर पाते होंगे, क्या कर पाते होंगे, थोड़ा सा सोचोगे ना तो पता है जवाब दे दोगे कि अपने लिए क्या कर सकते होंगे. थोड़ा सा मैं तुम लोग को टाइम दे रही हूँ इस चीज़ को लेकर सोचने के लिए, क्योंकि यहीं से तुम लोग की थिंकिंग थोड़ी डेवलप होनी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड्स की. तीनों क्या है, प्लास्टिड्स हैं,
तो हम तीन प्लास्टिड्स की बात कर रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं कि इन तीनों प्लास्टिड्स में क्या एक दूसरे से सिमिलैरिटी हो सकती है। तो सिमिलैरिटी के बारे में थोड़ा सा सोचो और सोच के मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या इनके अंदर ऐसा सिमिलर होगा, क्या तीनों के पास वो होते हैं पिगमेंट। सबसे पहले तो यही सोचो कि तीनों के पास पिगमेंट हैं भी या नहीं, और अगर तीनों के पास पिगमेंट हैं तो जो लास्ट ऑप्शन दिया है वो क्यों गलत होगा, ये भी सोचो फिर कि लास्ट ऑप्शन क्यों गलत होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जब हम ये दोनों चीज़ों पे वर्क कर पाएंगे ना, इन दोनों चीज़ों को सोच पाएंगे, तो हम अपने आंसर पे अपने आप आ जाएंगे, अपने आंसर पे अपने आप आ जाएंगे। बट इतना तो पहले हमको सोचना ही पड़ेगा कि क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है। किसी को समझ आ रहा हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिख दो, किसी को भी अगर समझ आ रहा हो तो इसका चैट बॉक्स में आंसर लिखो कि तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, बट अगर तुम लोग एक क्वेश्चन कर गए तो मतलब भयंकर कमाल का दिमाग चल रहा है, बहुत अच्छे से सोच पा रहे हो। और एक काम करो, तुम लोग तो बुक की हेल्प भी ले लो, बुक भी खोल लो और फटाफट बुक खोल के भी देखने की कोशिश करके समझ के बता दो मुझे। बुक से भी अगर देख के खोल के समझ के बता सकोगे ना तो भी मान जाऊंगी कि हाँ भाई दिमाग एकदम दौड़ रहा है घोड़े की तरह। तो फटाफट सोचो, समझो और समझ के मुझे बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं हम, सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं बिटवीन क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज जाएंगी। ठीक है, इतना सही क्वेश्चन है हमारा कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज जाएंगी, कोई तो सोच पा रहा होगा। नहीं सोच पा रहे, चलो तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इस चीज़ पे दिमाग लगाओ और मुझे सोच के बताओ कि जब हम बात कर रहे हैं कि प्लास्टिड्स की और हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम कह रहे थे भैया कि इन लोगों के पास क्या होता है, इन लोग के पास रहता है इनका डीएनए, इनके पास रहते हैं इनके राइबोसोम्स। ल्यूकोप्लास्ट के पास पिगमेंट्स नहीं है, ये बात क्लियर है। थाइलाकोइड्स और ग्राना इनके पास नहीं है, स्टोर करके रखने का काम स्टार्च प्रोटीन्स और लिपिड्स को सब करते हैं क्या, नहीं करते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है बच्चा कि ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अपना डीएनए अपना राइबोसोम्स प्लास्टिड्स के पास होता है, इसीलिए लोग फिजन लाइक प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेनी सेल फंक्शंस प्रॉपरली एंड डिवाइड माइटोटिकली इवन दो दे डू नॉट हैव, तो कह रहे हैं बहुत सारे सेल्स ढंग से फंक्शन कर भी लेते हैं, माइटोसिस से डिवाइड कर भी लेते हैं, जबकि उनके पास ये नहीं होता। क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, किस चीज़ के बिना भी वो नॉर्मली फंक्शन कर सकते हैं, माइटोसिस से डिवाइड कर सकते हैं, भले ही उनके पास ये चीज़ नहीं है। क्या नहीं है उनके पास, उनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, उनके पास साइटोस्केलेटन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है या प्लास्टिड नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है प्लास्टिड होना ज़रूरी नहीं है। जब भी हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वहाँ प्लास्टिड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना प्लास्टिड के भी सेल अपना पूरा काम कर सकता है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक फॉर टुडे, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, सीलिया एंड फ्लैजेला अलॉन्ग विथ राइबोसोम्स। हम सारे क्वेश्चंस भी आज के डेट के बेटा करके देख चुके हैं, तो अभी तक तुम लोग को यकीन नहीं हो रहा होगा बट हम 100+ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं क्लासेस में। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट कि 16 से लेकर 20 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारी 16 से 20 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी काफ़ी सही चल रही है, हमें लगेगा एक लेक्चर और हम कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर तुम लोग को ये चीज़ यूजफुल लग रही हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं इस तरीके से तुम तैयारी करोगे और फोड़ के रख दोगे नीट 2024, तो लगे रहो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करो, जितने अच्छे से बुक रीड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बिल्कुल अपने दोस्तों में सर्कुलेट करो। तो चलो मिलेंगे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।